फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंखाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ में, आपको पता होगा, जब आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना होता है वो अटक जाता है। वो गलती हम क्या करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या उसका सोल्यूशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो मिस्टेक हम करते हैं और उसका सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम अपने यूएन में लॉगिन करते हैं। यूएन में लॉगिन करने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं एक मेंबर हैं जिनका सर्विस हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने 5 कंपनियों में काम किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कंपनी में काम किया, फिर सेकंड कंपनी में काम किया, उसके बाद थर्ड कंपनी में काम किया। जब इन्होंने थर्ड कंपनी में काम किया इस कंपनी में, तब इन्होंने फर्स्ट और सेकंड कंपनी का पैसा ना ही निकाला ना ही ट्रांसफ़र किया, और ये डायरेक्ट थर्ड कंपनी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। थर्ड कंपनी को लेफ्ट करने के बाद इन्होंने फोर्थ कंपनी ज्वाइन किया और वहाँ पर इन्होंने अपनी थर्ड कंपनी का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ कंपनी ज्वाइन की और इन्होंने अपना जो फोर्थ कंपनी में, थर्ड और फोर्थ दोनों कंपनी का जो पैसा था वो फिफ्थ कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इनका बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड कंपनी का। अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या कि जो फर्स्ट और सेकंड कंपनी का पैसा बचा हुआ था वो इन्होंने अपना थर्ड कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया, जहाँ से इन्होंने ऑलरेडी पैसा फोर्थ कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया था और फोर्थ से फिफ्थ में कर लिया था। आपको पता होगा कि पीएफ का एक रूल है, किसी भी मेंबर आईडी में, जो आपकी ये मेंबर आईडी है, किसी भी मेंबर आईडी में आप एक बार पैसा ट्रांसफ़र आउट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ट्रांसफ़र आउट कर लिया, उसके बाद उस मेंबर आईडी में कोई भी पैसा अगर जमा होगा तो उसको आप दोबारा से ट्रांसफ़र आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने अपना जो फर्स्ट और सेकेंड कंपनी का पैसा है थर्ड कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया। अब जब इनको पता चला कि थर्ड कंपनी का पैसा इन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिया था फोर्थ कंपनी में, तो इन्होंने थर्ड कंपनी से इसको फिफ्थ कंपनी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जो कि रिजेक्ट हो गया। रीजन आया, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड क्यों आते हैं, क्योंकि आप एक मेंबर आईडी से एक ही बार पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और एक ही बार आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्म 19 और 10C एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम फ्रेंड्स यही आ सकती है, अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है, आपने पहले की जो कंपनीज हैं उनका पैसा ट्रांसफर नहीं किया, और अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया जहां से आपने ऑलरेडी ट्रांसफ़र आउट कर लिया था, तो वो पैसा आपका वहां पे अटक जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जब भी आप ट्रांसफ़र करो आप अच्छे से चेक करो कि जिस मेंबर आईडी से आप पैसा निकाल रहे हैं और जिस मेंबर आईडी में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस मेंबर आईडी से पहले आपने पैसा ट्रांसफ़र आउट किया तो नहीं है। अगर आपने वहाँ से ट्रांसफ़र आउट कर लिया तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपकी जितनी भी पिछली कंपनीज हैं, 1, 2, 3 या 4 या 5 कंपनी जितनी भी हैं, उन सब का पैसा आप करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करें। यानी कि जो फर्स्ट कंपनी है उसका भी आप फिफ्थ में ट्रांसफ़र करो, सेकंड है उसका भी फिफ्थ में करो, थर्ड है उसका भी फिफ्थ में करो, फोर्थ है उसका भी फिफ्थ में करो। जब सभी कंपनीज का पैसा आप एक इस मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म 19 और 10C के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सारा पीछे का पैसा है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट और सेकंड कंपनी का पैसा जो ट्रांसफ़र नहीं किया था वो थर्ड कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया और यहाँ पे आपका पैसा वो अटक गया क्योंकि आपने थर्ड से पहले ही निकाल लिया है, तो उस केस में आपको करना क्या है, अगर आपने थर्ड कंपनी में जो पैसा था उसको पहले ट्रांसफ़र किया है तो आपको फिजिकल फॉर्म 13 भरना है और आपको इस कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने थर्ड कंपनी का पैसा विड्रॉ किया हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट कंपनी में काम किया, सेकंड कंपनी में काम किया, थर्ड कंपनी में काम किया, उसके बाद आपने बीच में 2 या 4, 6 महीने के लिए जॉब छोड़ दी और आपने यहाँ से अपना पैसा निकाल लिया इस कंपनी से, और उसके बाद आपने फर्स्ट और सेकंड कंपनी का पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, फिर आपने फोर्थ कंपनी ज्वाइन कर ली, तो ये जो थर्ड में पैसा अटका हुआ है इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पीएफ का दूसरा रूल आता है कि एक मेंबर आईडी से आपने जो लास्ट एक्शन किया है कि आपने या तो ट्रांसफ़र किया होगा या फिर आपने पैसा निकाला होगा, तो लास्ट आपने जो भी किया था कि आपने ट्रांसफ़र किया या निकाला, अगर आपका पैसा उसके बाद उसमें पैसा आता है तो उसके लिए भी आपको वही फॉर्म अप्लाई करना है जो पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था थर्ड कंपनी का पैसा उन्होंने फोर्थ कंपनी में ट्रांसफ़र किया, यानी कि फॉर्म 13 उन्होंने पहले अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो जब ये ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो फॉर्म 13 के लिए ही अप्लाई करेंगे। अगर इन्होंने
कंपनी का पैसा फॉर्म 19 और 10C के थ्रू निकाला होता, तो जब इनका फर्स्ट और सेकंड कंपनी का पैसा थर्ड कंपनी में आता तब इनको फिजिकल फॉर्म 19 और 10C भरना होता। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन ये थोड़ा लंबा लेंथी है क्योंकि इसमें आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, कंपनी से साइन स्टैम्प करवाना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन लेटर देना पड़ेगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, जब भी आप अपना पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर करो तो सबसे पहले आपको ये देखना है जिस कंपनी में आप ट्रांसफर कर रहे हो वहां से आपने पहले ट्रांसफर आउट तो नहीं किया है, विड्रॉ तो नहीं किया है। और सबसे बेस्ट यही है कि जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं उनका पैसा आप अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफर करो, ना कि आप स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 में करो, आप डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट कंपनी में ट्रांसफर करो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये गलती कोई भी पीएफ मेंबर ना करे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।